भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है, फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सभी का स्वागत है। बहनों प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और अपने भाई बहनों को भी चैनल से जोड़ने का प्रयास करना, उनको भी सब्सक्राइब करके बेल को आल पर दबाने के लिए कहना। साथ ही साथ बढ़ते हैं बहनों खबरों की तरफ। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 5 मई को एक सरकारी आदेश मनोज कुमार सिंह जी, जो अपर मुख्य सचिव हैं उत्तर प्रदेश शासन में, उन्होंने इस लेटर को उत्तर प्रदेश में निदेशक महोदय को, जो पंचायती राज वाले हैं, उनको भेजा है। और ये लेटर है स्मार्ट गांव के रूप में विकास विषयक। तो यहां पर आइए देखते हैं स्मार्ट गांव के संबंधित क्या क्या जानकारी जो है अपर मुख्य सचिव जी के आदेश के मुताबिक निकल के आई है। कुछ जानकारियां होती हैं जो अति आवश्यक होती हैं, हर एक नागरिक को उसके बारे में पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं यहां पर मनोज कुमार सिंह जी ने क्या कहा है। इनका कहना है कि उपयुक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की संकल्पना उत्तर प्रदेश के गांव को स्मार्ट गांव बनाने की है और प्रदेश के 58,189 ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय के स्थापना की कार्रवाई भी प्रचलित है। ग्राम पंचायत कार्यालय को ग्राम सचिवालय के नाम से स्थापित किया जा रहा है और गांव की जनता को विभिन्न विभागों से जिन दस्तावेजों, अभिलेखों, कागजातों इनकी आवश्यकता पड़ती है, उपरोक्त समस्त अभिलेख ग्राम सचिवालय में पंचायत सहायक, कॉमन सर्विस सेंटर यानी सीएससी वाले, इनके माध्यम से प्राप्त हो सके, इसकी व्यवस्था भी बनाई जा रही है। साथ ही इनका कहना है कि ग्राम पंचायतों में निवासरत ग्रामीण जनता की क्षमता का पूर्ण विकास व नई आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए भरोसेमंद इंटरनेट कनेक्टिविटी आवश्यक है। स्मार्ट ग्राम की उक्त परिकल्पना के दृष्टिगत शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि ग्राम पंचायत के ग्राम सचिवालय कार्यालय को हाई स्पीड विश्वसनीय इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जाए। साथ ही ग्राम सचिवालय भवन के 50 मीटर के दायरे में रेडियस जो भी हो उतना 50 मीटर का, इतने में ग्रामीण जन के लिए भी वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। कितना अच्छी जानकारी आप लोगों को आज इस वीडियो में मिली है। अब आप सोचिएगा, यहां पर जो भी आपका ग्राम सचिवालय बनाया जाएगा गांव में, जिसको ग्राम पंचायत बोलते हैं, उसी का नाम सचिवालय किया गया है, तो ऐसे में उसके 50 मीटर के दायरे में वाईफाई की सुविधा भी जो है यहां पर लोगों को फ्री में उपलब्ध कराई जाए। किसको? ग्रामीण लोगों के लिए। तो हर गांव में 50 मीटर के दायरे में सचिवालय के जो ग्राम सचिवालय बनेगा उसमें फ्री का वाईफाई जो है ग्रामीण लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। ऐसा शासन से ऊपर से मनोज कुमार सिंह अपर मुख्य सचिव जी का लेटर जारी हो चुका है। इनका नीचे कहना है कि इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उक्त के संबंध में तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें। अब बहुत से जगह क्या होगा, ग्राम पंचायतें बनेंगी, वहां पर लोगों की जो है नौकरियां भी मिली थी, लोग लगाए भी गए थे, काफी लोगों ने नौकरियां भी छोड़ दी। रीजन उसका यह रहा, काफी जगह ग्राम प्रधानों ने क्या किया, जो सिस्टम आए हैं, जो उन पंचायतों में बैठ करके डाटा फीडिंग सब करनी है, जिनको नियुक्त किया गया था जिस काम के लिए, ऐसे में वो सिस्टम उठा करके कंप्यूटर सारे ग्राम प्रधान अपने अपने घर ले गए, जिसके चलते इन चीजों को आगे बढ़ावा नहीं मिला। अब रही बात इंटरनेट कनेक्टिविटी की, तो पैसा आ रहा होगा, अब इन सब चीजों का पता नहीं आगे क्या चलेगा, कैसे चलेगा, लेकिन अगर जनता जागरूक हो, अगर ग्रामीण जागरूक हो, तो अपना हक ले सकते हैं। फ्री का जो वाईफाई है 50 मीटर के दायरे में वो यहां पे मिलना चाहिए, और जो पंचायत, जो सचिवालय भवन बने हैं ग्राम सचिवालय, इनमें जो है उन लोगों को बैठना चाहिए जिनकी वहां पे ड्यूटी लगाई गई है और जो नियुक्त किए गए थे। और साथ ही साथ ये सारी चीजें हैं जो बहुत ही जरूरी हैं, मुझे लगता था सभी भाई बहनों को यूपी में इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। संगीता मौर्या बहन आती है रायबरेली से और उनके द्वारा एक खबर भेजी गई है। वैसे तो आपको बता दूं, कहा जा रहा है इसमें बरेली में कि 700 आंगनबाड़ी वर्कर और सहायिकाओं की भर्ती स्थगित हो गई। दरअसल 700 ये अकेले बरेली जिले में पदों की संख्या है आंगनबाड़ी भर्ती की, जो पहले निकली थी। अब इस बारे में वैसे तो मैं कहूं तो पुष्टि नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इस बारे में कोई भी
सरकारी आदेश विभाग द्वारा मेरे पास नहीं पहुंचा, ना ही किसी भाई बहन के जरिए जो हम तक आया है, तो ये नहीं कह सकते कि ये खबर पूर्णतः सत्य होगी, इसकी मैं पुष्टि करूं, ऐसा नहीं है। ये खबर वायरल है और भेजा है संगीता मौर्य बहन ने। आइए आपको दिखाते हैं यहां पर क्या बातें जो सोशल मीडिया में चर्चाओं में इन दिनों चल रही है। इनका कहना है कि बरेली में शासन की ओर से बरेली जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए 1700 आंगनबाड़ी वर्कर और सहायिकाओं की भर्ती प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है। इन पदों के लिए 7000 से ज्यादा महिलाओं ने आवेदन किए थे। अफसरों के मुताबिक गरीब सवर्ण आरक्षण तय होने के बाद अब नए सिरे से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। जनपद में 2857 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, जिन पर आंगनबाड़ी वर्कर और सहायिका बहनों की कमी पूरी की जानी है। शासन के आदेश पर इसके लिए 1700 रिक्तियां निकाली गई थी और इन रिक्तियों पर भर्ती के लिए सितंबर 2021 में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हुई थी। अफसरों के मुताबिक इन रिक्तियों के लिए 7000 से अधिक आवेदन किए गए थे और आवेदन करने वाली महिलाएं साक्षात्कार की जो है यहाँ पे जो इंटरव्यू बोलते हैं साक्षात्कार, इसके तिथि घोषित होने का इंतजार कर रही थी, लेकिन इसी बीच शासन के निर्देश पर भर्ती प्रक्रिया स्थगित कर दी गई। अफसरों का कहना है कि इन रिक्तियों पर भर्ती के लिए करीब सवर्ण आरक्षण लागू किया जाना है और इसके बाद उसी के मुताबिक रिक्तियां आरक्षित की जाएंगी और फिर नए सिरे से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। डीपीओ दीनानाथ द्विवेदी ने आंगनबाड़ी वर्कर और सहायिकाओं की भर्ती स्थगित करिए जाने की पुष्टि की है, ऐसा इस वाले आर्टिकल में छपा है। फिलहाल मैं इन चीजों की पुष्टि नहीं करता, केवल जानकारी सोशल मीडिया पर वायरल के मुताबिक आपको मैं दिखा रहा हूं, क्योंकि जब भी कोई सरकारी आदेश आएगा इस संबंध में तो उसकी पुष्टि होगी। वही बात करते हैं अगली एक जानकारी की। यहां पे बताया जा रहा है कि पदोन्नति अब 5 साल की प्रविष्टियों पर होगी। तो पहले आपको पता है सरकारी विभागों में कर्मचारियों की जो पदोन्नति जो प्रमोशन होता था वो यहां पर 10 सालों में होता था, लेकिन अब यह बताया जा रहा 5 सालों में होगा। तो आइए देखते हैं। इनका कहना है कि 10 साल की प्रविष्टियों पर प्रमोशन का फैसला बदला गया, 3 साल पदोन्नति नहीं दी जाएगी, वृहद दंड पर कर्मचारी को लघु दंड पर 1 साल तक पदोन्नति नहीं दी जाएगी, अगर पदोन्नति हो गई तो आगे इसका संज्ञान नहीं लिया जाएगा। आगे इनका कहना है कि राज्य सरकार ने सरकारी विभागों में पदोन्नति को लेकर के आने वाली बाधा दूर करते हुए 10 साल की जगह 5 साल की प्रविष्टियों पर पदोन्नति देने का फैसला किया है। नियुक्तियां जो है यहां पर बताया जा रहा है कि नियुक्ति एवं जो कार्मिक विभाग है उसके अपर मुख्य सचिव हैं देवेश चतुर्वेदी, उन्होंने शुक्रवार को इस संबंध में आदेश भी जारी किया और इसके साथ ही वृहद दंड पर 3 साल पदोन्नति नहीं दी जाएगी और लघु दंड पर 1 साल पदोन्नति नहीं दी जाएगी। अगर पहले दंड मिला है और पदोन्नति हो गई है तो आगे भी यहां पर आगे जो उनको जो है यहां पर पदोन्नति में इसका संज्ञान नहीं लिया जाएगा। शासनादेश के मुताबिक अंतिम 5 वर्षों का चयन वर्ष से ठीक 5 वर्ष पूर्व की अवधि के अभिलेखों को देखा जाएगा। इनका कहना है कि जो यहां पर वृहद दंड जो है उसमें 3 साल प्रमोशन नहीं हो सकता, लघु दंड अगर है 1 साल का यानी उसमें 1 साल तक का प्रमोशन आपका नहीं होगा। इस तरह से कुछ रोक है, यानी जिसका भी कोई मान लीजिएगा विभागीय काम ठीक ठाक नहीं चले, उनको दंड मिला विभाग की तरफ से, तो ऐसे में ऐसे लोगों को प्रमोशन में दिक्कतें आ सकती हैं। कहना है इनका कि उदाहरण के लिए चयन वर्ष 2021-22 में यदि चयन 31 दिसंबर 2021 के पूर्व संपन्न होगा तो इसके लिए मुख्य रूप से 2015 से 16 से वर्ष 2019 से 20 तक का वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियां आदि का संज्ञान लिया जाएगा। साथ ही साथ ऐसे ही अधिक जानकारी और आ रही है। फिलहाल बहनों हमारी आंगनबाड़ी भर्ती से संबंधित ये नहीं है तो बहुत ज्यादा इस पर चर्चा नहीं करेंगे। हाँ इतना जरूर हो गया कि ये प्रमोशन के मामलों में ऊपर से कार्मिकों के जो है यहाँ पर उसमें इतना बदलाव हुआ है, इतना थोड़ा बहुत फेरबदल कर दिया गया। तो फिलहाल के लिए भाइयों बहनों जो है यहाँ पर अगर चाहें आप तो यहाँ पर और आगे देख सकते हैं कि वेतन वृद्धि रोके जाने की दिशा में संबंधित कार्मिकों को दंड आदेश पारित होने के बाद संपन्न होने वाले प्रथम 3 चयन जो है वर्षों में अलग रखा जाएगा। तो मान जाएगा अगर विभाग से किसी को दंड मिला है, किसी का वेतन रोक दिया गया है किसी जो लापरवाही के कारण, तो ऐसे में उन कर्मिकों को 3 साल तक बिल्कुल भी प्रमोशन के कोई चांस नहीं है। अगर मान लीजिए प्रमोशन हो रहे भर्ती आए प्रमोशन की और उसके बाद उनका नहीं होगा 3 साल तक तो उन पर एक ये शर्त लगेगी। लेकिन संबंधित कर्मिक के लिए पारित दंडादेश में यदि कोई नियत समयावधि अंकित नहीं है, 1 या अधिक वर्षों के लिए संचयी प्रभाव से वेतन वृद्धि रोका जाना, तो उतने चयन वर्षों में
संबंधित कर्मी को अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा। उक्त कर्मिकों को तब तक पदोन्नति नहीं दी जाएगी जब तक दंड में उल्लेखित अवधि समाप्त ना हो जाए। संबंधित कर्मिक रिक्तियों की उपलब्धता और ज्येष्ठता होने के बाद दो बार अनुपयुक्त जो यहां पर किया जाएगा। तो इस तरह से कुछ चीजें हैं जिनका, इसीलिए पहली बात तो काम अच्छा रखो, कोई यहां पर दिक्कतें ना आए, कोई दंड का प्रावधान ही ना हो और आप पर कोई भी तरह की आगे दिक्कत ही ना आए। तो ये कुछ चीजें हैं जो ऊपर से शासन ने बना रखी है। अब इन नियमों का हवाला देते हुए बहुत से लोगों को शायद इन प्रमोशनों से बाहर भी आने वाले वक्त में तमाम विभागों के कर्मचारियों को होना पड़ सकता है। तो इस बारे में ये कुछ चीजें हैं जो एक दृष्टि से देखा जाए तो कर्मचारियों के लिए मुसीबत ही आगे आने वाले वक्त में ये खड़ी करेंगी। तो फिलहाल के लिए आज का सुबह का ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में भाइयों बहनों आपको हम फिर मिलेंगे। अभी के लिए